आपको एक हेल्दी सा अचार जो है गाजर का अचार, और गाजर का अचार जो बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी बनेगा और जल्दी से झटपट उसे खा भी सकेंगे। ना तेल ना कुछ, ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं, बहुत हल्का सा फुल्का सा और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। चलिए बनाते हैं, किस तरह से बनाया जाएगा और इसमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम एक बाउल, और जिसमें हम अचार को मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम ये कटी हुई गाजरें, और उसके बाद डालूंगी मैं ये गुड़ जो क्रश किया हुआ है। आप ज़रूर बना के देखिए, बच्चे भी खा लेते हैं इस अचार को, मैं थोड़ा कम डालिएगा। और इसमें जाएगा अब ये सिरका, बहुत ही हेल्दी अचार है और बहुत ही झटपट खाने लायक हो जाता है, 2-3 घंटे में ही आप इसको टेस्ट करके खा सकते हैं। और ये जाएगी थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च, ये हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, और ये जाएगा इसमें 1 चम्मच नमक, और ये 2 चम्मच राई का पाउडर। अब इस सबको हम मिक्स कर देंगे। देखिए बस झटपट हमारा ये अचार तैयार हो जाएगा, और दूसरे दिन तो ये इतना टेस्टी लगता है, 2-3 घंटे बाद ही इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका, और बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत स्वाद से खाते हैं। इसमें कोई ऑयल भी नहीं है, कोई गरिष्ठ नहीं है कुछ भी, और बहुत ही हेल्दी रहता है, ना बॉयल किए, लेकिन बहुत ही एक अलग सा टेस्ट इसका आता है। आप ज़रूर बनाइए और हमें अपने अनुभव ज़रूर बताइए कि आपको ये अचार कैसा लगा, और आपने बनाया तो उसका टेस्ट आपको कैसा लगा। ये हमारा अचार बिल्कुल मिक्स हो चुका है, और इसमें जो गुड़ है वो भी मेल्ट हो गया है। थोड़ा सा इसे इस तरह से दबा देंगे तो थोड़े समय बाद अपने आप ही, और 1-2 बार दिन में चला दीजिए, और दूसरे दिन तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए सारा अच्छे से मिल जाएगा। ये देखिए झटपट इंस्टेंट हमारा गाजर का अचार बनके बिल्कुल तैयार है। बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। लीजिए हमारा ये बहुत ही हेल्दी सा खट्टा मीठा गाजर का इंस्टेंट अचार बनके बिल्कुल तैयार है। खाइए, बनाइए और अपने अनुभव हमारे संग जरूर साझा करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।